हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकंड की वर्कशीट नंबर 122, जो कि 1 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 7, जिसका नाम है द माउस एंड द पेंसिल। तो बच्चों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे एंड क्लास टू के सामने आप अपना सेक्शन ए बी या सी लिखेंगे, ठीक है? तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे लेट्स रीड द स्टोरी द माउस एंड द पेंसिल। तो चलिए इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं और स्टोरी का नाम है द माउस एंड द पेंसिल, यानी कि चूहा और पेंसिल। वन डे, एक दिन, अ लिटिल माउस वॉज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट। तो एक दिन एक छोटा सा चूहा कुछ खाने की तलाश कर रहा था। ही फाउंड अ पेंसिल एंड बिट इट हार्ड। तो इसने क्या किया कि चूहे को एक पेंसिल मिली और उसने उसको ज़ोर से काटने की कोशिश करी। द पेंसिल वॉज हार्ड एंड requested the pencil was hurt and requested the mouse to let it draw one last picture. अब जब जो माउस था वो पेंसिल को काट रहा था तो पेंसिल को दर्द हुआ और उसने माउस से रिक्वेस्ट किया कि वो उसे एक बार बस एक लास्ट पिक्चर बनाने दे, ड्रॉ करने दे। इट स्टार्टेड टू ड्रॉ अ पिक्चर यूजिंग डिफरेंट शेप्स। तो फिर पेंसिल ने क्या किया कि वो एक पिक्चर बनाने लग गई अलग अलग शेप का इस्तेमाल करके। सिंस द माउस वॉज हंग्री, ही थॉट दैट द पेंसिल वॉज ड्रॉइंग वेरियस फूड आइटम्स। अब क्योंकि माउस को तो भूख लगी थी तो उसे लगा कि पेंसिल क्या कर रही है कि अलग अलग खाने की चीज़ें बना रही है। हाउ एवर इट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। Let's read the story from the textbook to find out what the pencil finally draw. तो आपको करना क्या है कि अगर आप इस पूरी स्टोरी को पढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इसमें क्या हुआ, तो अपनी बुक को ओपन करेंगे और इस स्टोरी को बुक से पढ़ेंगे। Now that you have finished reading the story, try and answer the following questions. तो हमने ऊपर जो हमें स्टोरी दे रखी है वो हमने पढ़ लिया है, अब हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके हम आंसर लिखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है व्हाट डिड द माउस फाइंड वन डे, टेक द करेक्ट ऑप्शन। नीचे तीन ऑप्शन है और हमसे ये पूछा है कि माउस को एक दिन क्या मिला था। तो माउस को एक दिन पेंसिल मिली थी। बी पार्ट में हमसे पूछा है राइट द नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट द माउस थॉट द पेंसिल वॉज ड्रॉइंग। तो आपको उन फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं जो कि माउस को लगे कि पेंसिल बना रही है। चलिए उन फूड आइटम्स के हम नाम लिख लेते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा चीज़, एप्पल एंड क्यूकम्बर, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेंसिल ड्र्यू द पिक्चर ऑफ द कैट यूजिंग द शेप्स सर्कल एंड ट्राइंगल। लेट्स ट्राई एंड ड्रॉ एनी पिक्चर यूजिंग ओनली द शेप्स सर्कल एंड ट्राइंगल। तो देखो, पेंसिल ने क्या बनाया, एक कैट बनाया था सर्कल एंड ट्राइंगल को यूज़ करते हुए। आप भी कागज़ लेंगे, कागज़ से कुछ सर्कल्स एंड कुछ ट्राइंगल्स बनाएंगे। सर्कल कैसे होता है ऐसा, और ट्राइंगल कैसा होता है ऐसा, जिसकी तीन साइड्स होती हैं। और इन सर्कल एंड ट्राइंगल से मिलाकर आप कोई चीज़ बनाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक है? आपके मन में जो चीज़ आती है आप वो बना सकते हैं। आगे बच्चों, हमें दे रखा है टॉक टाइम, जिसमें हम एक पिक्चर दिखा रखी है और आपसे पूछा है कि ये जो तीन जानवर हैं वो क्या बातें कर रहे होंगे। आपको सोचना है और उनको ज़ोर से बोलना है और अपनी कॉपी में लिखना है। चलिए हम इसका आंसर लिख लेते हैं। तो बच्चों, इस पिक्चर में देखो, हमें एक टाइगर दिख रहा है और यहाँ पर दो चींटियाँ दिख रही हैं। तो जो बड़ी वाली चींटी है, आंट है, वो कहती है छोटी वाली आंट से लेट्स हाइड बिहाइंड दिस रॉक एंड टाइगर विल नेवर सी अस। तो चलिए इस चट्टान के पीछे छुप जाते हैं और टाइगर हमें कभी भी नहीं देख पाएगा।
तो छोटी वाली चींटी बोलती है यस लेट्स गो, हाँ चलो चलते हैं। पर टाइगर इनकी बातों को सुन लेता है और वो बोलता है हाँ हाँ दे कैन नॉट फूल मी, ये लोग मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब आगे आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग रखने और उनके ध्यान से देखने के कौशल को विकसित करने के लिए गतिविधियां करवाएं। उदाहरण के लिए घर में मौजूद वस्तुओं में विभिन्न आकृतियों की पहचान करना, उन आकृतियों को पेपर पर छापना, उनसे नई वस्तुओं के चित्र बनाना आदि। तो बच्चों ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।